हेलो डियर स्टूडेंट, तो कल हमने स्नैपशॉट्स का जो सबसे पहला जो चैप्टर है उसको हमने पढ़ा था, उसकी स्टोरी को हमने डिस्कस किया था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, यू विल प्रोबेबली एग्री दैट दिस स्टोरी डज नॉट हैव ब्रेथलेस एडवेंचर एंड एक्साइटिंग एक्शंस, देन वाट इन योर ओपिनियन मेक इट इंटरेस्टिंग। ये बोलना चाहते हैं कि ये जो स्टोरी होती है इसमें कोई भी कोई साहसिक कार्य भी नहीं होता है और कोई ना ही कोई एक्साइटिंग एक्शन होता है, मतलब उत्तेजिक कोई क्रिया होती है, मतलब जिसे कोई एक्साइटेड चीज़ें पता चले, कोई एडवेंचर पता चले, इस टाइप का इसमें कुछ भी नहीं होता, बहुत ही सिंपल स्टोरी होती है। उसके बावजूद भी हमारे ओपिनियन में इसको इंटरेस्टिंग क्या चीज़ इसमें है जो इसको इंटरेस्टिंग बनाती है, ठीक है? तो चलो ये पढ़ते हैं। दिस इज ए सिंपल स्टोरी, ये बहुत ही सिंपल स्टोरी है। द स्टोरी डज नॉट हैव ब्रेथलेस एडवेंचर, ये जो स्टोरी है इसमें कोई भी स्तब्ध करने वाला कोई साहसिक कार्य नहीं है, एंड एक्साइटिंग एक्साइटिंग एक्शन, ना ही कोई उत्तेजक क्रिया है, ना ही कोई ऐसा कोई काम हो रहा है जिसमें हम एक्साइटेड हो जाएं। येट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, फिर भी इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इसमें रोचक चीजें हैं। देयर इज आयरनी इन द स्टोरी, ये जो स्टोरी है इसमें एक विडंबना है। विडंबना मतलब कि कुछ भी जैसे जो काम चल रहा है उसके अगेंस्ट में कोई काम हो रहा है, ठीक है? ये एक दिस आयरनी लाइज इन द ओपिनियन अबाउट द नेटरेस्ट ट्राइब अमंग द पीपल एंड द एक्चुअल एक्ट ऑफ डिसऑनेस्टी डन बाय द नरेटर एंड हिज कजन। इसमें ये कहना चाहता है, विडंबना ये है कि लोगों का जो नरेटर है उसकी जो ट्राइब है उसका जो कबीला है उसके बारे में उनका क्या विचार है, क्या सोच है, और लेकिन वो इसके अगेंस्ट में काम करते हैं वो, और उसका जो कजन है चचेरा भाई है वो। होता क्या है देखो, द नरेटर बिलोंग टू ए पुअर ट्राइब, जो वर्णन करता है वो एक गरीब कबीले से बिलोंग करता है, संबंध रखता है, बट दिस ट्राइब वॉज फेमस फॉर इज ऑनेस्टी। ये गरीब भले ही हैं लेकिन वो प्रसिद्ध हैं अपनी ईमानदारी के लिए। नो वन वुड बिलीव दैट ए मेंबर ऑफ दिस ट्राइब कुड डू ए डिसऑनेस्ट थिंग, कोई भी इस चीज पे भरोसा नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा कि इस पूरी ट्राइब का एक सिंगल मेंबर भी, एक मेंबर भी कोई डिसऑनेस्ट काम करे, ठीक है? गैर ईमानदारी वाला कोई काम करे ऐसा कोई भी विश्वास नहीं करेगा। येट द नरेटर कजन स्टोल ए हॉर्स, फिर भी वर्णनकर्ता का जो चचेरा बेटा है उसका जो चचेरा भाई है, ठीक है, वो एक घोड़े को चुरा लेता है। एवरी मॉर्निंग द नरेटर एंड हिज कजन एंजॉयड हॉर्स राइडिंग, हर सुबह वो और उसका जो चचेरा भाई है वो हॉर्स राइड करते थे डेली मॉर्निंग में। आफ्टर दैट दे हाइड द हॉर्स इन द डिजर्टेड वाइनयार्ड, उसके बाद वो दोनों उस घोड़े को अंगूरों के जो बाग होता है उसमें छुपा देते हैं। वन डे द ओनर ऑफ द हॉर्स सॉ देम विद हॉर्स, एक दिन जो घोड़े का जो मालिक है वो इन दोनों को देख लेता है। ही रिकॉग्नाइज हिज ओन हॉर्स, वह अपने घोड़े को पहचान लेता है। स्टिल ही डिड नॉट बिलीव दैट द नरेटर एंड हिज कजन कुड स्टील ए हॉर्स, अपने घोड़े को पहचान लेता है उसके बावजूद उसको भरोसा नहीं होता, बिलीव नहीं होता, विश्वास नहीं होता है कि नरेटर और उसका जो कजन है वो उसके घोड़े को चुरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो परिवार होता है वो ईमानदारी के लिए फेमस होता है। सो ही थॉट दैट हिज हॉर्स वॉज ट्रेन ऑफ हिज ओन हॉर्स, तो उसको ऐसा लगता है, ऐसा सोचता है वो कि ये घोड़ा पक्का उसका जो अपना घोड़ा है उसका ये जुड़वा भाई हो गया, जुड़वा हॉर्स होगा। दिस आयरनी मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग, और यही जो विडंबना है इस जो स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना देती है, रोचक बना देती है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर टू, डिड द बॉय रिटर्न द हॉर्स बिकॉज देवर कॉन्शियस स्ट्राइकन और बिकॉज देवर अफ्रेड, कि उन्होंने घोड़े को वापस कर दिया, क्या उनकी अंतरात्मा ने ऐसा जवाब दिया कि नहीं यार हमें इसका जो घोड़ा वापस कर देना चाहिए, और मतलब या बिकॉज देवर अफ्रेड, या फिर वो डर गए थे। द नरेटर बिलोंग टू ए पुअर ट्राइब, जो वर्णन करता है वह है एक गरीब कबीले से संबंध रखता है या गरीब कबीले का था वो रहने वाला। दिस ट्राइब वॉज फेमस फॉर इट्स ऑनेस्टी, ये जो कबीला होता है वो अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध होता है। येट वन डे, फिर भी एक दिन, द नरेटर कजन स्टोल ए ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, फिर भी जो वर्णन करता है उसका जो चचेरा भाई है वो एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद घोड़े को चुरा लेता है। दिस हॉर्स बिलोंग्ड टू जॉन बायरो, ए फार्मर ऑफ दैट एरिया, यह घोड़ा जॉन बायरो का था जो एक किसान था, उसी एरिया के रहने वाला किसान था। नाउ एवरी मॉर्निंग, अब वो प्रत्येक सुबह, द नरेटर एंड हिज कजन एंजॉयड हॉर्स राइडिंग, और वो प्रत्येक सुबह वो घोड़े को के साथ में हॉर्स राइडिंग का एंजॉय करते थे। देन बिफोर डे ब्रेक, और जैसे ही दिन उगता, जैसे ही सूरज बाहर आता या रोशनी आती, दे हायर द हॉर्स इन द डेजर्टेड वाइन यार्ड, वो जो हॉर्स होता था उसको एक सुनसान अंगूरों का जो बाग था उसमें छुपा देते थे, ठीक है। और इस स्टोरी में बताया भी गया है कि वो 4 बजे उसने उसका दरवाज़ा खटखटा दिया था, बोलो चलो देखो मैं एक घोड़ा लेके आया हूँ। तो वो अर्ली इन द मॉर्निंग हॉर्स राइडिंग करते थे, और जैसे ही सुबह होती थी, जैसे ही दिन उगने वाला होता था, तो उससे पहले वो उसको छुपा देते थे घोड़े को। वन डे, एक दिन, जॉन बायरो केम टू नरेटर्स हाउस, एक दिन जॉन बायरो नरेटर जो वर्णन करता उसके घर पे आया। ही टोल्ड हिज मदर, उसने उसकी माँ को बताया, दैट हिज हॉर्स हैड बीन स्टोलन, कि उसका घोड़ा है वो चुरा लिया गया है। द नरेटर बिकम अफ्रेड, इससे क्या वो डर जाता है वर्णन करता, येट ही वॉन्टेड टू लर्न द हॉर्स राइडिंग प्रॉपरली, लेकिन फिर भी वो उस घोड़े को वापस नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो हॉर्स राइडिंग सीखना चाहता है अच्छी तरह से। आपने स्टोरी में देखा होगा वो हॉर्स उसको हर बार नीचे गिरा देता था, तो उन्होंने सोचा हम हॉर्स को जब तक वापस नहीं करेंगे तब तक वो अच्छी तरह से हॉर्स राइडिंग नहीं सीख लेते। हिज कजन प्रोमिस्ड दैट ही वुड रिटर्न द हॉर्स टू ओनर्स आफ्टर ही हैड लर्न द हॉर्स राइडिंग, और उसका जो चचेरा भाई है उसको ये वादा करता है कि वो घोड़ा वापस कर देगा जैसे ही वो अच्छी तरह से हॉर्स राइड करना चलाना सीख लेते हैं। हाउ एवर, फिर भी, आफ्टर 5 डेज, कुछ दिनों बाद, वैन जब देवर विद द हॉर्स, जैसे ही वो घोड़े के साथ जा रहे थे, दे कैम अक्रॉस द जॉन बायरो, उनका आमना सामना हो जाता है, कैम अक्रॉस मतलब आमना सामना हो जाना जॉन बायरो से, और जो जॉन बायरो है वो उसको पहचान लेता है अपने घोड़े को। बट ही डिड नॉट सस्पेक्ट द बॉयज, लेकिन फिर भी उसको उस बच्चों पे विश्वास नहीं होता, उन लड़कों पे विश्वास नहीं होता है। ही थॉट दैट, उसने सोचा, द हॉर्स वॉज ट्वाइन ऑफ हिज स्टोलन हॉर्स, कि ये जो घोड़ा है ये पक्का जुड़वा भाई होगा उसका, अपना खुद का हॉर्स है उसका। ही रिकॉग्नाइज हिज हॉर्स, अच्छा ठीक है। नाउ द बॉयज बिकम अफ्रेड, अब क्या है वो बच्चे दोनों जो लड़के होते हैं वो डर जाते हैं। लीज देयर डिसऑनेस्टी वुड बी आउट, अब उनकी जो गैर ईमानदारी है वो बाहर आ जाएगी, सब लोगों को पता चल जाएगा। सो द अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, और जैसे ही अगली सुबह होती है, दे टुक द हॉर्स टू जॉन बैरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बैरन, और वो उसको जो हॉर्स का बांधने का जो बाड़ा होता है उसमें जॉन बैरो के जो अंगूरों का जो खेत होता है उसमें जाके वापस वो बांध देते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उनकी अंतरात्मा ने उनको ये नहीं बोला कि उनका घोड़ा वापस कर देना चाहिए, वो डर गए थे इसलिए उन्होंने उनका घोड़ा वापस कर दिया। इसमें ये दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, इनको ही करेंगे और उसके बाद कल मैं इनका टेस्ट लूंगा। इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, वो एक छोटा सा टेस्ट रहेगा।
आप लोगों को ये क्वेश्चन अपनी फेयर कॉपी में लिखने हैं और इनको याद करना है।